everyone. So we have started from Chandigarh and now we are on our way to Bikaner. We'll have our halt at Bikaner once, then we'll continue our journey to Jaisalmer. And we are near Sangrur right now and having our dinner at Sharma Dhaba. I'll just give you a glance of the dhaba. It's very nice and clean. Have a look. There you can see our beast and the Sharma Dhaba in Desi style. There is hardly any vehicle on this road. Very nice road from Chandigarh. We took a route from Rajpura, then Patiala bypass. Now we'll heading towards Samana and Bathinda. This is Bathinda Road, National Highway. You won't find much traffic at this point of time. So if you drive carefully at night as well, it's smooth road, not an issue as of now. Keep you posted on same. Thank you. Alright guys, so हम अभी पहुंच गए हैं बीकानेर. फिलहाल हम हैं बीकानेर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर. यहाँ पर चौधरी साहब हमारे दिल्ली से आ रहे हैं, वो हमारे को ज्वाइन करेंगे. वो चंडीगढ़ से हमारे साथ नहीं आ सके थे, तो वो दिल्ली थे, तो दिल्ली से डायरेक्ट बीकानेर आएंगे. बीकानेर से हमारे साथ जुड़ेंगे और अब हम आगे जाएंगे जैसलमेर. मौसम अच्छा है, ना ज़्यादा गर्मी है अभी, ना ही ठंड है. और अभी समय है सुबह के 7:30 बजे हम पहुंच गए थे. एक छोटा सा नैप मैंने ले लिया है, गाड़ी चला के काफ़ी थक गया था. सो अभी आते हैं चौधरी जी, तो मिलते हैं, फिर आगे का रास्ता आपके साथ कवर करेंगे. ऑलराइट गाइस, सो चौधरी जी पहुंच गए हैं बीकानेर जंक्शन. यो दिल्ली से चले हैं थे रात 4 मिनट पहले 11:30 बजे 11:35 और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं. अब आगे का रास्ता हम इनके साथ जैसलमेर कवर करेंगे. डीजे अब आया है, गाना अब बजेगा. मिलते हैं. ऑलराइट गाइस, तो अब हम हैं गजनेर, जो कि जैसलमेर के रास्ते पर है. अभी हमने ब्रेक लिया है यहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए. देखिए मिलिए सारी टीम से, भूखे शेरों की तरह ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं. ऑर्डर से ज़्यादा चाय का. ये एक बहुत ही रीजनेबल सा स्टेशन लग रहा है खाने का. फैमिली फ्रेंडली करण रेस्टोरेंट. दूर दूर तक मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कुछ नहीं है यहाँ पे, बियाबान जंगल. ये देखिए जैसलमेर बीकानेर हाईवे. दूर दूर तक कोई शहर नहीं, कोई घर नहीं. बट ये जो रोड है बहुत ही अच्छी रोड है, मलाई की तरह बनी हुई है. यू कैन कवर योर डिस्टेंस वेरी इजीली, बहुत स्मूथ है. बस एक चीज़ का ध्यान रखें, आप सुन रहे होंगे, देखिए हवा बहुत तेज़ चल रही है, आवाज़ आ रही होगी आपको. एक चीज़ का ध्यान रखिए यहाँ ड्राइव करते हुए, यहाँ कोई भी कैटल पशु आपकी गाड़ी के आगे आ सकता है. थोड़ा सा उसको ध्यान में रखते हुए चलिए. ठीक है, मिलते हैं हम अभी. हम फटाफट से कुछ खा लेते हैं. अभी हमें ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर और जाना है जैसलमेर के लिए.
All right, guys. So we have reached Sand Dunes Deserts. This is our stay for tonight. Luxury tents. We'll have some cultural evening at this place after 8 p.m. It's around 6 right now, and we are heading towards the desert area for some activities. Let me quickly show you guys a glimpse of our tents. These are very good from inside. You can see we have a queen size bed, a cooler, water camper, electricity points, and we have good washroom as well. Okay, worth coming here. Okay, so we are heading towards the desert now. We'll have some good activities there. I'll keep you posted, and obviously you will see this in the video itself. Okay, stay tuned with us. क्या नाम है आपका? पीरू खान। पीरू खान। पीरू खान। आपका क्या नाम? इशाक खान। इदे खान। इदे खान। ये कितने साल से गा रहे हो आप गाना? ये प्रॉपर साल हमारा, ये थोड़ा स्टार्ट हुआ नहीं पूरी बात हमारा प्रॉपर, ये खानदानी गाने बजा कनोई गांव के, हम कलाकार कनोई गांव के कलाकार, आप तो लोग दूसरे आने लगे रोजगारी है हमारी रोजी, हमारा खानदानी धंधा गाने बजाने का ही। मंगनियार, मंगनियार ग्रुप है। आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार, हमारा गांव में हमारा परिवार, यानी ये पानी बोतल टीवी पे आएगा जी, इसमें देख के बोल। कितने लोग हैं आपके परिवार? हमारा परिवार तो काफी बड़ा है, सभी इसी में, सभी इसी में गाने को इधर है, उधर है, 25-30 घर है हमारे, अलग गांव में है, हम गांव में रहते हैं, अभी थोड़ा बाहर हम रह रहे गांव के पास में, गांव के पास रह रहे हैं, और हमारा खानदानी ये गाने बजाने का यानी जजमान है। रात को लोग उनमें जाते हैं, गाँव में जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, प्रोग्राम में जाते हैं, यहाँ टूरिस्ट लोग आते हैं तो यहाँ भी आते हैं। तो महीने में कितना कमा लेते हैं? महीने में जो हमारा गुजारा जो हो जाता है 10-12 हज़ार रुपया है साल जी। बाल बच्चे कितने हैं आप? बाल बच्चे 5-6 बच्चे जी। नहीं, बहुत बढ़िया कर रहे हो काम है। क्या करे साहब, और हमारे पास धंधा नहीं है इधर, और बहुत दूर से आए हैं हमने देखा। आप कहाँ से? हम चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ पंजाब? पंजाब। अच्छा 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 अच्छा, मैंने देखा कर रहे हो। हाँ, भी इसी में पूरा परिवार, पूरा परिवार हमारे, कई पीढ़ियाँ हो गए हम इधर आते हैं, हमारे प्रॉपर गाना बजाना गाना बजाना धंधा है। तो मैं आई लाइक टू से एवरीवन ऑन माय चैनल, आप कभी भी जैसलमेर आए इधर डेजर्ट में तो खान फैमिली को जरूर मिले, यहाँ पर मिलते हैं सभी, जरूर आए इनसे मिले। और सो दीज आर द कैंप्स वेयर वी आर स्टेइंग टुनाइट, दिस इज अवर होम फॉर टुनाइट, एंड यू कैन सी द कल्चरल प्रोग्राम इज ऑलरेडी इन प्रोसेस, देयर आर सर्टेन अदर आइटम्स व्हिच आर लाइंड अप फॉर द नाइट। नमस्कार जी, आज मैं उनका हार्दिक स्वागत। पश्चिम राजस्थान में स्पेशली रेगिस्तान में मेहमान एक देवता समान मानते हैं। आप हमारे साहब जी, खाना खाने का मजा प्लेट में नहीं, जितना थाली में आता है, और बात करने का मजा बीबी से नहीं, जितना साली से आता है। अरे
ना लप